वर्ल्ड कप 2023 में आज का सुपरहिट मैच इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच खेला गया था और इस मैच के खत्म होने के बाद वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड कप 2023 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी चार टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा चुकी है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा, इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड कप में आज के नए पॉइंट टेबल को। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल ओपन किया है और यदि आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स को खोल करके अभी हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पे हम आपको क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें टेलीग्राम पे फॉलो जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड कप का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में आज का मैच इंग्लैंड नीदरलैंड के बीच खेला गया था और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 339 रन बनाए, जहां पे इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने बहुत बढ़िया शतक जड़ा और अब ये मैच पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 में आज के नए पॉइंट टेबल को। तो पॉइंट टेबल में 10वें स्थान यानी कि बॉटम पे जो टीम है वो है आज की हारने वाली टीम नीदरलैंड, और नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 2 में तो नीदरलैंड जीत गई लेकिन 6 में इनको हार भी मिला। तो अभी नीदरलैंड 8 में से 2 मैच जीत जाने के चलते 4 अंक के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और नीदरलैंड का नेट रन रेट -1.400 है और नीदरलैंड वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। वहीं पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पे है आज के मैच की जीतने वाली टीम यानी कि इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 2 मैच में तो इंग्लैंड जीत गई लेकिन 6 मैचों में इंग्लैंड की टीम को कराड़ी शिकस्त झेलना पड़ा। तो अभी इंग्लैंड की टीम टोटल 8 में से 2 मैच जीतने और 6 मैच हार जाने के चलते 4 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पे है और इंग्लैंड का नेट रन रेट -1.300 है और ये टीम भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई है। वहीं पॉइंट टेबल में 8वें पायदान पे श्रीलंका की टीम है और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 2 में इनको जीत मिली और 6 में इनको हार मिला। तो अभी श्रीलंका 4 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में 8वें पायदान पे और इनका नेट रन रेट -1.160 है और श्रीलंका भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले ही ऑफिशियली पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर चुकी है। वहीं पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पे बांग्लादेश की टीम है और बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 2 में इनको जीत मिली लेकिन 6 में इनको हार भी मिला। तो अभी बांग्लादेश 8 में से 2 मैच जीत जाने के चलते 4 पॉइंट के साथ 7वें पायदान पे है और बांग्लादेश का नेट रन रेट -1.142 है और बांग्लादेश वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर चुकी है। वहीं पॉइंट टेबल में 6वें पायदान पे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 4 में इनको जीत मिली लेकिन 4 में ये टीम हार भी गई। तो अभी अफगानिस्तान 8 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में 6वें पायदान पे है और अफगानिस्तान का नेट रन रेट -0.338 है और इस टीम को सेमीफाइनल में जाने के लिए अंतिम मैच जीत करके अदर टीमों के रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वहीं पॉइंट टेबल में 5वें पायदान पे है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 4 में इनको जीत मिली और 4 मैच में पाकिस्तान हार भी गई। तो अभी पाकिस्तान 8 में से 4 मैच जीत जाने के चलते 8 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पे है और पाकिस्तान का नेट रन रेट +0.036 है और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए अपने अंतिम मैच को जीत करके बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा और न्यूजीलैंड से बढ़िया नेट रन रेट बनाना पड़ेगा या फिर प्रे करना होगा कि न्यूजीलैंड अंतिम मैच हार जाए। वहीं पॉइंट टेबल में 4थे पायदान पे है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 4 में इनको जीत मिली, 4 में न्यूजीलैंड हार भी गई। तो अभी न्यूजीलैंड 8 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में 4थे पायदान पे है और इनका नेट रन रेट +0.398 है और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में जाने के लिए कुछ नहीं करना, बस अपने अंतिम मैच को बड़े मार्जिन से जीत करके पाकिस्तान से बढ़िया नेट रन
रन रेट बनाना है। वहीं पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पे ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 6 में तो ये टीम जीत गई लेकिन 2 में इनको हार भी मिला। तो अभी ऑस्ट्रेलिया 12 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पे है और ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट +0.861 है और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जा चुकी है, जहां पे सेमीफाइनल में इनका मैच अफ्रीका से होगा। वहीं पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पे साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में 8 मैच खेले, जहां पे 6 में इनको जीत मिली और सिर्फ 2 में हार मिला। तो अभी अफ्रीका 12 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पे है और इनका नेट रन रेट +1.376 है और ये टीम सेमीफाइनल में जा चुकी है, जहां पे अफ्रीका का सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होते हुए नजर आएगा। वहीं पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे जो टीम है वो है भारत की टीम और भारत ने वर्ल्ड कप में 8 मैच खेले और सभी 8 के 8 मैचों में टीम इंडिया जीत गई। तो 16 पॉइंट के साथ भारत पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे है और टीम इंडिया का नेट रन रेट +2.456 है और भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहले ही जा चुकी है और भारत का सेमीफाइनल मैच मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान से या फिर अफगानिस्तान से होगा। तो ये था वर्ल्ड कप 2023 में आज का नया पॉइंट टेबल।